ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਮੁਨੀਮ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मुनीम दे पिता अशोक गुप्ता ने दस्या कि दोपहर 3:30 बजे के करीब दो हथियारबंद नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिल ते आए। मोटरसाइकिल नू बाहर खड़ा करके अंदर दाखल होए अते एक लुटेरे ने दफ्तर च बैठे उसके बेटे ते पिस्तौल ताण दित्ती अते कहा कि तुहाडे कोल जो भी है सानू दे दिओ नहीं तां असीं तुहानू गोली मार देवांगे। पिस्तौल की नोक से इन्हों लुटेरिया ने उस को 40,000 रुपए और एक मोबाइल फोन खो लिया और फरार हो गए। जिमें ही आके असी रौला पाया तो लोगों ने पिछा करके एक लुटेरे को काबू कर लिया। एक्चुअली मेरा बेटा जिहड़ा है ना जी एक दाणा मंडी के कैंट के दुकान है डब्बू आड़ती के नाँ पर बहुत मशहूर दुकान है। उस दुकान पर मेरा बेटा जिसका नाम राहुल गुप्ता है वह उत्थे अकाउंट्स का काम करता तो ये अपना दोपहरे खाना खा के कोई 3:30 बजे दुकान पर आया तो एक ये होर बहुत पुराना मुनीम है उसका नाम संजय है वह काम करता है। उन्हें कहा मैं हूँ रोटी खाया वा तो तुम कहना ठीक है ये बैठ गया कुर्सी पर। थोड़ी देर बाद ना दो नकाबपोश जिन्हों ने अपने चेहरे टके हुए सी और सीधा अंदर आ गए और जेब दे विचों पिस्टल कढ़ी रिवालवर और कहते जो कुछ हैगा रख दे। वो कहता जी मैं तो मुनीम आदमी मेरे को की है तो कहता तेरे को गला होएगा चाबी होएगी तो ऐ पिस्तौल कहता कढ़ जो कुछ हैगा तेरे को। उन्हें ना चाबी देती कहता जी वो गला उस कढ़ लो उस गला ना खुलिया उन्होंने को चाबी ना तो कहता चल उठ तू खोल। एक जना उसके पिछे खड़ा हो गया एक जना अगे खड़ा हो गया तो उन्हें गला खोलिया उस तकरीबन 40-45 हज़ार का कैश सीगा जेड़ा वो लै गए नाल जाते हुए कहते भी अपना मोबाइल भी दे दे मोबाइल भी लै गए तो उस बाद कहते उ बैड पड़िया ही कहता थले वड़ जा तू जब तक ही निकल वो बैड के थले वड़ गया तो वो निकल गए और निकल के वो आजाद चौंक कल भजन लगे तो उत्थे कोई ट्रैफिक ज़्यादा सीगा मोटरसाइकिल उन्होंने फस गया उत्थे मोटरसाइकिल खड़ा करके कोई बंदे मगर लगे से उन्होंने फड़न वास्ते भी ये डाका मार के आया तो वो उन्होंने घेर लिया। वो एक हरी हलवाई बहुत मशहूर है उन्होंने गली है एक नंबर गली उत्थे जाके एक जना फड़िया गया जिहड़ा साइयां वाले पिंड दा सीगा ते दूसरा जिहड़ा तूतां वाला सी उह निकल गया चखमा दे के लोगों नूं ते उहदी काफ़ी सेवा भी की उत्थे मंडी दे विच ते उहदे को 14-15 हज़ार रुपया कैश बरामद होया 14-30 ते उह इस वेले की नाल लैंदे कैंट थाने वाले पुलिस कोल है ते असी हाँ जी मंग असी ये मंग करदे आं वी जिहड़े साढ़े फिरोजपुर जिले के SSP है सरदार भुपिंदर सिंह जी बड़े ऑनेस्ट SSP ने असी उन्होंने को यही कहने भी ये जिहड़े डाके वज रहे दिन दिहाड़े या लुट्टा खोवा हो रही है ये थोड़े अपनी पुलिस के उत्ते सख्ती करन ताकि ये जिहड़ियां वारदात है ये ना हो सकन इन्हां ते कंट्रोल किया जाए। और साड़ी दूसरी मंग ये है कि दूसरा जिहड़ा हैगा वो छेती तो छेती फड़िया जाए जिहड़ा तूतां वाला हैगा जिहड़ा भज गया तो असी मन्नांगे भी पुलिस काफ़ी एफिशंस है काम करन दे विच बड़ी समक्ष है तो असी तां कहांगे भी वाकई पुलिस की कामयाबी है जे दूसरा आदमी फड़ के लियांदे है। बस साडी यही मंग है दोपहर को सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि डब्बू आड़ती की दुकान पर पुरानी दाणा मंडी थाना कैंट वारदात हुई है लुट की दो बंद द्वारा पिस्तौल की नोक से लुट करने की कोशिश की गई है तो असी फिर पुलिस पार्टी ने सारी ने उत्थे रेड किया तो एक बंदा असी उत्थे अप्रहेंड किया उमराओ सिंह संधु सानू परमजीत सिंह पिंड साझावाला तो वह है साढ़े रिकॉर्ड मुताबिक पहला भी एक चोरी का परचा है। सैकेंड जो परसन है ये अप्रहेंड किए बंद दसन तो चंचल सिंह कोई तूत पिंड है इतने ने गिरफ़्तार करने वास्ते रेड कर रहे हैं अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कर रहे हैं।